हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज बात करेंगे हम 2021 में भारत के शेड्यूल के बारे में। पूरा शेड्यूल मैं बताने वाले, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो भी चैनल पर है नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी को जान लेते हैं। जनवरी में है भारत के दो टेस्ट, वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कि अभी चल रही है, अभी तीसरा और चौथा टेस्ट बाकी है इस सीरीज़ में, चार मैचों का ये सीरीज़ है। बात करें फरवरी और मार्च में तो भारत को जाना है इंग्लैंड, चार टेस्ट और 3 ODI और 5 T20 मैच खेलने हैं इंग्लैंड में जाकर। तो ये काफ़ी लंबा टूर होने वाला है इंडिया के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीरीज़ भी। अगर बात करें अप्रैल और मई में, तो अप्रैल और मई में इस बार IPL 2021 होने वाले हैं, तो ये दो महीना कोई सीरीज़ नहीं होंगे IPL के अलावा। अगर बात करें जून की, तो जून में है 3 ODIs और 5 T20 श्रीलंका के साथ। और बात करें जून और जुलाई की, तो एशिया कप होने वाला है 2021, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एशिया कप। अगर बात करें जुलाई में एशिया कप के बाद, तो इंडिया जाने वाले हैं जिम्बाब्वे, वहाँ होंगे मैचेस। इसके बाद अगर बात करें अगस्त और सितंबर के, तो यहाँ पर होंगे 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड आएगी भारत के दौरे पर। और बात करें अगर अक्टूबर की, तो अक्टूबर में साउथ अफ्रीका का टूर है भारत का। और अगर बात करें अक्टूबर और नवंबर की, तो T20 वर्ल्ड कप भी होने वाली है इस साल, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। कौन जीतेगा वर्ल्ड कप कमेंट में आप बताइएगा, क्या लगता है आपको, भारत जीतेगा या कोई और टीम जीतने वाला है इस बार वर्ल्ड कप T20। अगर बात करें नवंबर और दिसंबर की, तो दो टेस्ट और T20 न्यूजीलैंड के साथ है भारत का। और आखिरी महीना दिसंबर की बात करें, तो इंडिया का टूर है साउथ अफ्रीका का। तो ये है पूरे साल का शेड्यूल जो भारत का भी आया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके लिए ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें सभी लोगों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।